मालती हर बात में एक बात जरूर कहते थी कि भैया हम बचे अब नहीं, हम जी अब नहीं, हमारे साथ ही कुछ हो सकला। ये सबसे बड़ी बात होती थी उसकी कि हम अब बचेंगे नहीं, हम मेरा पति मुझे मार ही डालेगा, ये बातें हमेशा कहती थी हर कॉल रिकॉर्डिंग। कुछ बात कुछ देर बाद वो जब भी बात होती थी वो यही बातें कहती थी। यहाँ तक कि हम लोग जब मिलने भी गए थे एक दो दिन बाद, उससे मुलाकात भी हुई थी, तब पर भी कई लोगों से ये बात वो कह चुकी थी कि भैया हम जिएंगे नहीं, हम मर जाएंगे अब। संत कबीर नगर की फेमस यूट्यूबर मालती चौहान की मिस्ट्री अभी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। लगातार इसी बीच में कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं और एक वीडियो गोलू जी का और मालती चौहान का वायरल हो रहा है, ऑडियो वायरल हो रहा है। एक ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या बातचीत हुई थी आखिरी बार मालती से और वो ऑडियो कब का है? वो ऑडियो है जिस दिन विष्णु ने मालती को घर से, जब वो शादी का जो झूठी शादी यानी हुआ था, बिना डाइवोर्स वाला मामला हुआ था, जब इन लोग को घर से निकलवाया था, मतलब ये लोग घर से चले गए थे अपने गांव से, उसके बाद का ही है। तो नहीं, जब पूरी तरीके से भाई वो बहुत परेशान वीडियो वगैरह डाल रही थी, वो सैड सैड मूड में वीडियो डालती थी, तो मैंने उसे फ़ोन करके पूछा। तो हालांकि फ़ोन जिस नंबर पर बात हुई उसी के नंबर पर नहीं बात हो पाई थी, नीरहू यानी उसका जो भाई है उससे शायद उसकी बात चलती, तो मैंने उसके नंबर ले करके उसको मालती को किसी भी कैसे भी तरह के उसको बात हुई, फिर उसके बाद वो सारी बातें मुझे अपना बताई जैसा भी। और पूरी रिकॉर्डिंग में एक एक बात जो भी बताई है वो सारी रिकॉर्डिंग में मैंने 17-18 मिनट की रिकॉर्डिंग में पूरा बकायदा डाल दिया है। क्या महत्वपूर्ण बातें हुई थी उस वक्त? मुझे लगता है कि एक बात जरूर कहना है, बड़ा महत्वपूर्ण होगा इस वीडियो में, सबसे ज़्यादा जनता के लिए भी और सबके लिए, प्रशासन के लिए भी। मालती हर बात में एक बात जरूर कहते थी कि भैया हम बचे अब नहीं, हम जी अब नहीं, हमारे साथ ही कुछ हो सकला। ये सबसे बड़ी बात होती थी उसकी कि हम अब बचेंगे नहीं, हम मेरा पति मुझे मार ही डालेगा, ये बातें हमेशा कहती थी हर कॉल रिकॉर्डिंग। कुछ बात कुछ देर बाद वो जब भी बात होती थी वो यही बातें कहती थी। यहाँ तक कि हम लोग जब मिलने भी गए थे एक दो दिन बाद, उससे मुलाकात भी हुई थी, तब पर भी कई लोगों से ये बात वो कह चुकी थी कि भैया हम जिएंगे नहीं, हम मर जाएंगे अब, वो हमेशा कहती थी। वो क्या विष्णु से डर था उसे? अब अपने पति के नाम से वो वीडियो बना रही तो जाहिर सी बात है उसको अपने पति से ही डर था ना, तो बाकी तीसरे से कुछ मुझे पता भी नहीं चला। जो वीडियो वायरल हो रहा है तो उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अपने पति का नाम ही लेती थी हमेशा। अच्छा, इस बीच जो राहुल हैं, जो विष्णु का दोस्त, राहुल की क्या इस पूरे कह लिया जाए पूरे में क्या शामिल थे वो? देखा जब एक फिल्म की स्टार्टिंग होती है वहाँ पे सबसे पहले आता है डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, निर्देशक, इस तरीके की बातें आती हैं। तो सर्वप्रथम जो उसको कहते हैं स्क्रिप्ट लाइनअप करने वाला, तो पूरी कहानी का स्क्रिप्ट लाइनअप करने वाले का पहला फर्स्ट ऑफ ऑल नाम आता है राहुल चौरसिया। पूरी कहानी वहीं से शुरू होती है। अगर इन्होंने अपना ऑडियो विष्णु को दिया नहीं होता तो कहानी वहाँ से स्टार्ट नहीं होती। मुझे लगता है कि आज मालती हम दुनिया को अलविदा ना करके हम लोग के साथ, सबके साथ साथ ही कलाकार के साथ रहती। वो तो कह रहे कि विष्णु की जान को बचाने के लिए मुझे ऐसा कदम उठाना हुआ, क्योंकि विष्णु के खिलाफ मालती और अर्जुन उसकी हत्या की साजिश रच रहे थे, इस वजह से मैंने, विष्णु हमारा मित्र था, इसकी वजह से ऐसा कदम उठाया गया था। तो क्या कभी इस तरीके का कोई हलचल सामने आई थी कभी? मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा आपको डर था, मेरे भाई अगर आपको ऐसा डर था, तो ये सीधा सीधा आप ये ऑडियो उठाकर आप प्रशासन को दे देते। मुझे हिसाब से आप प्रशासन को देते, प्रशासन ही मामला था, उसको वायरल करने का क्या मतलब था? जैसे मान लीजिए अभी आप हमसे आए मिलने, हमारा आपसे झड़प हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि पहले आप वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले आप काम होगा कि चलिए ठीक है पहले वीडियो बना लिया, पहले सबसे पहले हम थाने पहुंचेंगे। तो ये बात होती है अपने बचाव के लिए, सर्वप्रथम आपको थाने पे जाना चाहिए। तो वो ना करके आप डायरेक्ट आप वीडियो पे वायरल करते हो, आपके 6 मिलियन सब्सक्राइबर, तो जाहिर सी बात है जो मालती का जो नाम पूरी तरीके से था, जो उसने बनाया था वो तो ख़त्म हो ही गया, लेकिन उसके चरित्र पर भी बहुत सारे दाग दुनिया के बीच में लग गया। क्या सच में प्यार था या नहीं, मालती ने कभी इस बारे में आपसे बताया या नहीं कि हाँ सच में? कॉल रिकॉर्डिंग में, उस कॉल रिकॉर्डिंग में साफ साफ मालती ने मुझसे कहा, उस कॉल रिकॉर्डिंग में आप सुनेंगे जिसमें साफ साफ मालती बोल रही है कि भैया फोर्स हम उनको खुद ही किए थे, हम ही उनको पहले बात करने के लिए। तो देखिए, जो चीज़ों का साक्षी मैं नहीं हूँ, जैसे मैंने इन लोगों को कभी ऐसे बताया, कोई चीज़ें मैंने देखा नहीं है, तो मैं उसको, तो मैं बस यही लगता कि जो मैंने सुना है वही बता रहा हूँ, यही कहूँगा। लेकिन जो चीज़ों के लिए मैं सामने मैंने देखा कि हाँ ये चीज़ यहाँ गतिविधियाँ ये चीज़ हुई है,
वो मैं कहूँगा, लेकिन अब ये तो वीडियो वीडियो वायरल करना, उसके बाद फिर वीडियो वायरल होने के, डाइवोर्स के पहले शादी मानना मुझे लगता है कि ऐसे ही तो गलत बात है ना, कि अगर किसी तीसरे व्यक्ति के साथ उसकी शादी करा देना वो भी बिना डाइवोर्स के, तो ये तो कानूनी अपराध है, तो उसको शादी मानना ही नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, उन्होंने एक धर्म का मजाक उड़ाया, सब लोगों ने धर्म का मजाक उड़ाया, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी हिंदू सेना वाले लोग हैं, जो भी बजरंग दल वाले, इन चीज़ों पर संज्ञान लेना चाहिए कि भाई अगर ऐसे ही कल को हर घर के लोग, ये गलत संदेश गया लोगों तक, ये यहाँ तक मैं कह सकता हूँ। जैसे क्या वो दोनों, जैसे अर्जुन ने भी कहा था पहली बार हमको जो है बातचीत करने के लिए या प्यार का इजहार मालती ने किया था, तो इस बारे में मालती ने आपसे क्या बताया था? वही कॉल रिकॉर्डिंग में बोला था, वही कॉल में बोला ये सब का मामला चल रहा है, क्या हो गया, कैसा है शादी उदी का, तो बोली मुझसे बोली डायरेक्ट बोली कि भैया ऐसा बा कि हमें उस रिकॉर्डिंग में सुनिएगा, अर्जुन के कोनो गलती ना आई बा, वो बोली अर्जुन के कोनो गलती ना आई बा, और उनके बतियाए खाते हम ये फोर्स के ले ला ली है, ठीक है, वो हमसे बहुत बार मना कर लिया, तो ये वो उसने बोला। अब मैंने देखा थोड़ी कि क्या असलियत में क्या हुआ है, लेकिन जो चीज़ें वायरल हुई है, जो चीज़ें कॉल पर उसने बताई है, वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ। मतलब पूरी घटना में जो हुई है उसमें अर्जुन का हाथ नहीं है? अब सच कहूँ आपको, देखिए कोई बुरा माने या ना माने, लेकिन सच कहें आपको, किसी के पर्सनल लाइफ में टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान जाने ऑन कैमरे तो कुछ और है, ऑफ कैमरे क्या है, और ना जाने कि जीवन के 24 घंटे होते हैं एक इंसान के, वो अपने 24 घंटे की गतिविधियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे के टाइम एक्सपेंड करता, मुझे नहीं पता। तो मैं इतना, हाँ ये है कि जो वीडियो पे मैं दिखा हूँ वही मैं कह सकता हूँ। मान लीजिए आप मेरे मित्र हैं, आप मुझसे मिलने आए, आप मिलने के बाद मुझे बाहर जाकर अगर गालियाँ दें, एक बात कह रहा हूँ मैं आपको, तो मुझे लगता है कि जब तक आप मेरे साथ हैं, या फिर जब तक मालती मेरे से बात कर रही थी फ़ोन पे, बता रही थी भैया ऐसी ऐसी बात है, तब तक मुझे लग रहा था ठीक है चलिए वो जो बता रही वो सही होगा, उसी तरह आप मेरे से मिलना है, मुझे लगा कि आप मेरे मित्र हैं, लेकिन बाहर जाकर अगर मुझे कुछ कहेंगे ना, मुझे नहीं पता ना कि कोई तीसरा उसके जीवन में और क्या चल रहा है, ये मुझे सच में नहीं पता। लेकिन जो चीज़ें वायरल है, जो चीज़ें यूट्यूब पर दिख रही, वही मैं बता सकता हूँ। आखिरी बार क्या बातचीत हुई? वही आखिरी दिन, जिस दिन वो मालती काले जगदीशपुर जा रही थी, उसके एक दिन पहले जब उसने मुझे फ़ोन किया, बोली भैया ऐसा शांति घर चल जा, और कोई दवा वगैरह था, अब उस दवा में शायद संतोष भैया से दवा मंगवा रही थी मेरे ख्याल से, शायद उसका सर उर दर्द कर रहा था, जो भी रहा होगा, तो एक इतना बड़ा कोई पार्सल था, अब उस पार्सल जैसे नहीं दवा का पैकेट टाइप का होता है, तो वो दवा वो अपने घर पे वहीं रखी थी, शायद सर उर दर्द उसको रहा होगा, तो बोली संतोष भैया कि चल जाते, क्योंकि जब भाई वो वायरल चीज़ें हो गई थी, तो हम लोग भी ये सोच रहे थे कि यार चलो लोग को समझाएं, आपस में मिलजुल कर अपना रहें, तो हमको फ़ोन कि भैया आवत बड़ा तेज़ कर शांति घर चला, क्योंकि रास्ते में जाने शांति का घर है, वहाँ जाते एक पैकेट मिलता है, तो बोलते अच्छा भैया हाँ वहीं वह रखल हुआ कान कहीं रखल हुआ जिंदगी में, तो वही ले जाकर शांति को मालती को देते हैं, बस वही उसी दौरान उसके घर पे सभी लोग रहते हैं, सबके सामने मिलजुल कर बात होती, वही लास्ट बार बात हुई, उसके बाद हम घर चले आते हैं, अलग उस समझौते की बात की बात बता रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर वो काली जगदीशपुर जाने के लिए तैयार होती है, उसने अगले दिन वो वीडियो बनाकर भी डालती है कि अब कोई मेरे बीच में नहीं बोलेगा, वो चाहे कोई भी हो, मेरे पिता, मेरे भाई, जो भी जैसा भी हो नहीं बोलेगा, अब जो भी अगर मेरे साथ होता है सब मेरे पति का, मुझे मारे काटे मुझे जो भी करे मेरे पति की जिम्मेदारी होगी, वो सारी बात बना करके उसने वीडियो अपलोड किया है। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा बाकायदा सोशल मीडिया पर ये चल रहा है।